बच्चों बताओ सब ज्यादा नशा किस चीज में होता है? मैं बताऊं जी? हाँ बता। मैडम जी सबसे ज्यादा नशा किताबा में होता है। वो कैसे? मैं समझी को न्या। मैडम जी किताब खोल दे नींद लग जाए। पढ़ जा तलन है। हेलो हेलो शिखा, तू फेसबुक इस्तेमाल करया करे है? नारे मैं तो पहले ही बहुत गोरी सू। हाँ 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 हिंदी में 44, अंग्रेजी में 35, गणित में 37। छोरे ये तेरे के नंबर से गधे के बच्चे, तने शर्म नहीं आंदी? इतने थोड़े नंबर, तू नलायक से नलायक। तू मेरी बात तो सुन। तू चुप बैठी रे, तेरे लाड प्यार ने बिगाड़े से यो नलायक। रे बाप तो दिन भर मेहनत करके तने पढ़ावे और तू इतने कम नंबर ल्यावे। तू मेरी बात तो सुन ले। तू चुप बैठी रे, एक भी शब्द ना बोल दिए आज। मैं आज इसने अच्छी तरह बताऊंगा। तू इतना छो मारया, एक बार मेरी बात तो सुन ले। सुना के सुनावेगी या बात? आज सवेरे जब मैं अलमारी साफ करूं थी तो यह मार्क शीट उसमें पाई थी। यह मार्क शीट तेरी से तेरी। आज तो तू गणिये सुतरी लाग गए से। फिर देखा कैसे टोले अपने खतर कोई सुथरा सा जिज्जा। हेलो कस्टमर केयर से बोल रहे हो क्या? हाँ जी बोलिए, क्या बात? 3 घंटे तक थारा नेट नहीं चल रहा, इब न्यू बताओ मैं के करूं? मैडम घर का कुछ काम कर लो। हाँ ए बेबे, बेरानी लुगाई अपने घराले की क्यूकर बुराई कर दे से। मन ने तो अपने घराले की बुराई आज तक कोन्या करी। तू मेरे घराले ने देख ले, उस दौरे अकल के नाम का देला भी कोन्या। डंकी सकल राम ने ना दी रंग ईसा, जनू पैदा होंदे बट्ठी में गेर का बूंद दिया हो। और कंजूस इतना, कच्छे भी सेकंड हैंड खरीद के पैरे से, और खराटे इतने मारे से, कई बे तो न्यू जी करे से, अक सुत्तवे की नाक में मट्टी का तेल गिर के आग लगा दूं। पर बेबे मेरी के मजाल, जो मन आज तक उसकी बुराई करी हो तो वो जीसा भी से मेरा देवता से, मैं तो उसकी बुराई कदे भी कोन्या कर दी। वाह बेबे मान गए तन्ने, तू तो कती सावित्री से। और के हाँ जंडू। बोलो मैडम जी। तू बता के 1 किलो लोहा भारी ओस है आक 1 किलो कपास? मैडम जी लोहा। अरे जब दोनों चीजा का वजन 1 किलो से तो लोहा भारी क्यों करो या? ना मैडम जी लोहा ये भारी ओस है। अरे तराजू के एक पलड़े में 1 किलो लोहा और दूसरे पलड़े में 1 किलो कपास धरांगे तो दोनों पलड़े बराबर रहेंगे ने? ना मैडम जी लोहा भारी ओस है। रे गधे, रे दोनों का वजन बराबर से बराबर। ठीक से मैडम जी, आप मेरे 1 किलो कपास फेंक के मारियो, मैं आपके 1 किलो लोहा फेंक के मारूंगा। जब आपका सिर फूटेगा तो आपने बेरा पैट जेगा कपास बारी हो सक लोहा। बैठ जा तलन। हाँ भाई तू इस ते तलाक क्या ते लेना चाहवे से? जनाब मेरी घराली मेरे ते लसन छिलवावे से, प्याज कटवावे से, बर्तन मंजवावे से। तो अरे बावले यो भी कोई मुश्किल काम से? इसमें दिक्कत की के बात से? लसन ने थोड़ा गर्म कर लिया कर, आसानी से छिल जाएगा। प्याज काटने ते पहले थोड़ी बार फ्रिज में धर दिया कर, काटते टाइम आँखें में जलन ना होगी। बर्तन मांजन ते 10 मिनट पहले पानी के टब में गेर दिया कर, आसानी से साफ हो जाएंगे। कपड़े सर्फ में डालने ते आधा घंटा पहले सादे पानी में भेज दिया कर,
दाग आसानी से साफ हो जाएंगे और हाथा ने भी कोई तकलीफ ना हो। समझ गया साहब, समझ गया। की समझा? योए आके आपकी हालत तो मेरे तभी घनी खराब से। हेलो सुनो जी, माइके में मेरा तेरे बिना जी को न लाग रहा। अरे बावली, जे जी ना लगदा तो स्टार या सोनी लगा के देख ले, वे भी अच्छे चैनल से। हो रेजंडू, आज की बात से आज तो सारा दिन बीत गया, शिखा का इबलग फोन नहीं आया। रेजंडुआ तो रोजे फोन करे से, आज तो तू बाजी मार ले। एक काम कर, आज तू है फोन मिला ले। हेलो हेलो हेलो, ये भगवान, मन ने लग गए है यो तो सिखा के बापू ने फोन उठा लिया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? आपकी बेटी की फ्रेंड होस्ट सीट पर बैठी से, और वो आपकी बेटी से मदद चाहती है। आप अपनी बेटी को फोन दे दीजिए प्लीज। हाँ हाँ अमिताभ बच्चन जी, अभी देता हूँ। बेटी सिखा जल्दी आ, कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन जी का तेरे लिए फोन आया है। हेलो हेलो, सवालियों से आज सांझ ने तू मने कड़े मिलेगी। हाय अमिताभ बच्चन जी नमस्कार। मैं आपकी बहुत बड़ी फैंस हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्म देखी से, और आप तो बात करके तबीयत खुश होगी। न्यू बताओ कि सवाल के ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए मॉडल टाउन, बी सिटी पार्क, सी मानसरोवर पार्क, डी किला रोड। ऑप्शन सी। धन्यवाद, अब आपका समय समाप्त होता है। हेलो बेबी, आपकी याद आने लग रही थी मने। अरे बे, मेरी तनख्वाह को न्या मिली पर जानू। ओके जानू, बाय पापा गे। हेलो जानू। हेलो, तेली बहुत गनी याद आन लाग ली छे। ओ बेबी, ईब तो बात करी थी। ओ तेरी के फिर तेरा फोन लग गया के? हेलो हेलो, एंटी जी पायल से? हाँ बेटा, दोनों पाया मैं से और चप्पल भी से। हाँ हाँ। हेलो हेलो फायर ब्रिगेड। हेलो, हाँ जी बोलो। जल्दी आ जाओ, मेरे घर में आग लग रही से। पानी डालो पानी। पानी तो डाल दिया फिर भी आग ना बुझ रही। तो फिर हम आके के करेंगे? हमने भी तो पानी डालना से। हाँ। हेलो हेलो सर, मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो, मैं ताड़ी बजाऊंगा। हाँ। हेलो हेलो, मैंने तेरे ते इतनी बार फोन मिला लिया, तू मेरा फोन क्या तो नहीं ठांदी? अरे जानू यार, इबे तो सो के उठी सू, अरे माँ चाह दे के गई से, अरे भाई पीण लाग रही सू, बोल के कवा था। है कमीनी, क्यों झूठ बोलन लाग रही से? एंटी तो न्यू कवे थी, अक तुम गोबर गेरन जा रही से। रे गुंगरू, तू बता के फास्ट फास्टर और फास्टेस्ट ने हरियाणवी में क्यूकर कवेंगे? बताऊं जी क्यूकर कवेंगे? हाँ बता। बाज रे बाजले, रे मेरी सासू के बाजले ने। रे पड़ जा तलने। झंडू तू बता के घर की परिभाषा
के ओस है? जो घर हौसले से बनाया जाता है उसे हाउस कहते हैं, जिन घरों में हवन हो वैसे उसे होम कहते हैं, जिन घरों में दीवारों के कान हो वैसे उन्हें मकान कहते हैं, जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उसे फ्लैट कहते हैं, जिन घर में यो भी पता ना हो अग बगल में कौन रोवे से उन्हें बंगला कहते हैं। रप्पड़ जा तलन है। यार सतीश, तने बेरा से मैं सिखाते तलाक लेन लाग रहा हूं। रजंडू, ईसा की हो गया? थम दोनों तो अच्छी तरह रहा करते। वाह बात तो ठीक से सतीश, जब ते हम दोनों ने ब्याह करया से उससे दिन ते सिखा मने बदलन की कोशिश करन लाग रही थी। सब ते पहला उसने मेरे ते शराब पीन ते रोक्या, और फिर उसने मैं सिगरेट पीन ते रोक्या, फिर इधर उधर आवारा घूमन ते रोक्या, फिर उसने मेरे ते ही सिखाया आके अच्छे कपड़े क्यूकर पहरे जासे, फिर उसने मेरे ते संगीत और कला भी सिखाई। और सतीश भाई, तने बेरा से ईब तो मैं स्टेज करन लग गया जमा सतावे से। रे भाई, मेरे तो जमा काचे कटरे से, रोज नई नई कलाकार आवे से। रे जंडू, या तो बहुत बढ़िया बात से, उसने तेरे ऊपर इतनी मेहनत करी और फिर भी तू उससे तलाक लेना चाहवे से? अरे भाई सतीश, ईब मेरे में घना सुधार आ गया, और बात इसी से इब वा मने अपने लायक कोन्या लाग दी। हाँ बाबूजी बोलो। हाँ भाई, अरे खाना किसा मिला से? बाबूजी यहाँ पर खाना बड़ा स्वादिष्ट, लजीज, बिल्कुल घर जैसा मिलता है। आपको यहाँ का खाना बिल्कुल आपके घर जैसा लगेगा। भाई माफ करिए, जे अरे भी घर जैसा खाना मिलेगा तो फिर अरे खाना खान का के फायदा? जंडू, न्यू बता, अक्कल बड़ी एक बहस। रुको मैडम जी, एक बहस सोच लूं। मैडम जी, मने बेवकूफ समझो सो के, आपके सोचो सो मेरा ऊपर अड़ाई शाखा ली से। पहले दोनों की डेट ऑफ बर्थ तो बताओ। बैठ जा तले।